हे गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान की गरीबी यूट्यूब चैनल। दरअसल आप सभी को PSLV C53 का प्रमोचन तो याद ही होगा। PSLV C53 का प्रमोचन आज यानी कि 30 जून को शाम 6:02 पर हुआ था। यह प्रमोचन की उल्टी गिनती 25 घंटे की होती है, तो इस उल्टी गिनती को हमने लगभग 29 जून को शाम 5:02 पर शुरू किया था। प्रमोचन की सारी गतिविधियाँ देखकर जो प्रमोचन है वो किया जा चुका है और सफलतापूर्वक PSLV ने 6:02 पर श्रीहरिकोटा के SDSC शार के द्वितीय प्रमोचन मंच से उड़ान भरी। लगभग उड़ान के कुछ देर बाद PSLV C53 ने उसके सारे पेलोड्स जो है वो सेपरेट कर दिए हैं और PSLV C53 फुल्ली सक्सेसफुल हो चुका है और फुल्ली एकॉम्प्लिश्ड किया जा चुका है। PSLV C53 की ये उड़ान लगभग एक ऐतिहासिक उड़ान होने वाली है, क्योंकि ये एक दूसरी उड़ान थी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए भारत से। PSLV के जरिए एनसिल ने PSLV C51 के जरिए अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। फिर PSLV C52 के जरिए हमने भारत की ही सैटेलाइट लॉन्च की थी। अब PSLV C53 के जरिए एनसिल के जरिए हमने सिंगापुर की स्पाई सैटेलाइट यानी कि DSEO सैटेलाइट, नियोसार सैटेलाइट और एक स्टूडेंट की सैटेलाइट स्कूप 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। प्रमोचन की सारी गतिविधियाँ को देखकर जो प्रमोचन है यह प्रमोचन लगभग अच्छा हुआ। अगर हम सारी गतिविधियों को देखते हैं तो प्रमोचन की सारी गतिविधियाँ अपात रूप से जारी थी, जारी रहेगी और जो हमारा PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है वो अब इस वक्त स्पेस में है। उसको डी ऑर्बिट नहीं किया गया, यानी कि हमारे PSLV के फोर्थ स्टेज को डी ऑर्बिट नहीं किया गया है। उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे और इन फ्यूचर अगर वो खुद से डी ऑर्बिट हुआ तो उसको डी ऑर्बिट किया जाएगा। रही बात आगे क्या आने वाला है, देखिए अभी PSLV C53 हुआ, अब PSLV C54 जो ओशन सैट 2 सैटेलाइट को लेके जाएगा यानी कि EOS-6 सैटेलाइट को लेके जाएगा। उसके बाद साथ ही साथ जो भूटान सैट सैटेलाइट है उसको लेके जाएगा। ये दो तीन सैटेलाइट है उनको लेके जाने वाला है PSLV C54। लॉन्च अगस्त या सितंबर में होने वाला है ऐसा इसरो ने कहा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।